कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जिस आगरा मॉडल की शुरुआत में काफी तारीफ हुई थी, वहीं अब क्वारंटाइन सेंटर में फैली अव्यवस्था की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल आगरा दिल्ली हाईवे पर स्थित एक क्वारंटाइन सेंटर में आइसोलेटेड लोगों के साथ अछूतों जैसा व्यवहार देखने को मिला है। वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने CDO को जांच करने के आदेश दिए हैं। उधर आगरा के मेयर नवीन जैन ने भी तमाम असुविधाओं को देखते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा है कि मुख्यमंत्री द्वारा बहुप्रचारित कोरोना से लड़ने का आगरा मॉडल मेयर के अनुसार फेल होकर आगरा को वुहान बना देगा। न जांच, न दवाई, न अन्य बीमारियों के लिए सरकारी या प्राइवेट अस्पताल, न जीवन रक्षक किट और उस पर क्वारंटाइन सेंटर्स की बदहाली घातक साबित हो रही है। जागो सरकार, जागो। मैं कभी-कभी ये सोचता हूं। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मेयर नवीन जैन के पत्र का हवाला देते हुए आगरा मॉडल पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने ट्वीट किया, आगरा शहर में हालात खराब हैं और रोज नए नए मरीज निकल रहे हैं। आगरा के मेयर का कहना है कि अगर सही प्रबंध नहीं हुआ तो मामला हाथ से निकल जाएगा। कल भी मैंने इसी चीज को उठाया था, पारदर्शिता बहुत जरूरी है, टेस्टिंग पर ध्यान देना जरूरी है। कोरोना को रोकना है तो फोकस सही जानकारी और सही उपचार पर होना चाहिए। सरकार द्वारा आगरा मेयर की बातों को सकारात्मक भाव से लेना और तुरंत पूरी तरह से आगरा की जनता को महामारी से बचाने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है। उधर आगरा में अव्यवस्था के एक के बाद एक कई वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में खलबली मच गई है। देर शाम जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह और SSP बबलू कुमार ने SGI और हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पहुंचे, जहां अफसरों की मौजूदगी में सफाई अभियान चलाया, साथ ही लोगों को 1 मीटर की शारीरिक दूरी के पालन के आदेश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि SGI से मिली शिकायतों के बारे में उन्होंने निरीक्षण किया, सुबह भी निरीक्षण किया गया था, अब अव्यवस्थाएं ठीक करा दी गई है। ये है शारदा ग्रुप इंस्टीट्यूशन कोरोना टाइम सेंटर, जहाँ पे आइसोलेट किए गए मरीजों के साथ ये कंडीशन की जा रही है। इन सबको यहाँ पे लाया गया है ये बोलकर कि आपका मेडिकल चेकअप किया जाएगा, बट यहाँ कोई चेकअप किया नहीं जा रहा। इनमें से मैं भी एक हूँ, ज्योति वर्मा, मुझे ये कह के यहाँ लाया गया कि आपका SN में जाके मेडिकल चेकअप होगा, बट यहाँ पे कोई भी मेरा मेडिकल चेकअप नहीं हो रहा है। यहाँ सब प्रशासन, डॉक्टर सब लापरवाही दिखा रहे हैं अपनी हर एक प्रकार से। ना यहाँ पे लोगों को प्रॉपर खाने के लिए दिया जा रहा है, ना पीने के लिए दिया जा रहा है।